हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं आप? खैर खरिया से हैं भाई? अभी जो है ना वो दिन के 3 बज रहे हैं और मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ जी। अभी सारा दिन गेस्ट आए हुए थे तो गेस्ट के साथ मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि कुछ गेस्ट जो होते हैं ना वो व्लॉग में आते हैं और कुछ गेस्ट होते हैं जो व्लॉग में आना पसंद नहीं करते। हमारे गाँव में ना हर बंदा व्लॉग में नहीं आता, कोई कोई लोग आ जाते हैं और कोई लोग जो कहते हैं ना बाबा ना हमें इस काम से दूर रखो, ठीक है। तो ये सब चलता रहता है जी इधर। बाकी आप देख सकते हो वेदर माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा बना हुआ है बाहर, आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह से ना धूप नहीं निकली, थोड़ी सी निकली थी कुछ टाइम के लिए, घंटे के लिए, फिर से ना बादल ही बादल हैं, बारिश आने के चांसेस फिर से हैं हमारे इधर गाँव वाली साइड पर, जैसा कि आप देख सकते हो भाई। भाई साहब इससे पहले कि मौसम ख़राब हो जाए मैं ज़रा खाने छाने का कोई बंदोबस्त कर लूँ। बेगम कह रही है कुछ जाके ले आओ साथ वाले चौक से, कोई रात को बनाएंगे हम, ठीक है। तो चलते हैं बेगम से पूछते हैं कि भाई लाना क्या है। बारिश आने से पहले ना कोई खाने पीने का बंदोबस्त कर ले, बाकी काम तो होते रहेंगे फिर जी। चलो जी, क्या बन रहा है अभी जी? हम बना रहे हैं जी मूली की फली। मूली की फली बोलते हैं ना इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं। मूली की फली बना रहे हैं जी आज, जो बोलते हैं। और हम डाल रहे हैं इसमें चिकन, डालना है तुम्हारा मूड आज इसमें चिकन, थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए चेंज हो जाएगा कुछ। चलो अच्छी बात, सब्जी तो घर में है पड़ी लेकिन थोड़ा सा चिकन ले आता हूँ और चिकन डाल लेंगे इसमें ना तो बड़े कमाल की बन जाएगी हमारी ये सब्जी, ठीक है। तो ले आओ चिकन। हाँ चिकन ले आए, चिकन के साथ। हानिया मामा के साथ काम करवा रही हो आप खाना जो है ना वो बन रहा है इधर, चिकन और मूली की फली जो है ना वो आज हम बना रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज दूसरी बात भाई साहब ये है कि आज ना हमारी फैमिली में दो अफराद को है जी रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तारी का फिलहाल हम सामान भी बना रहे हैं, फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कम होता जा रहा है। असर की नमाज मेरे ख्याल से हो गई है और कुछ ही टाइम बाकी है, फिर जो है ना हम पकौड़े शकौड़े बनाएंगे, इफ्तारी जो है ना वो पूरी करवाएंगे उनकी, और फिर खैर से माह रमज़ान भी आ रहा है तो ये सारी जो है ना ये माह रमज़ान की प्रैक्टिस हो रही है ना। तो भाई आज फर्स्ट अफ्तारी होगी हमारे घर में इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और बाकी जो सारा काम है ना वो हो चुका है। और हाँ जी, भाई बेगम के घर वाले भी आ रहे थे। कहाँ पहुँच रहे हैं तुम्हारे घर वाले? आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं। 2 महीने से लगाया होगा कि वो लोग आ रहे हैं लेकिन आ ही नहीं रहे भाई। आ जाएंगे सरप्राइज है। सो हम भी वेट कर रहे हैं उनका, हमारे लिए सरप्राइज है। सो हम भी तैयारियां कर लें, ठीक है। तो फिर ससुराल वाले भी मेरे पहुंच जाएंगे, माह रमजान में आएंगे वो तो मेरे ख्याल से। ये तो मुझे पता है कि वो माह रमजान में आएंगे इंशाल्लाह। माह रमजान की कौन से रोजे को ये फिर ही पता। तो भाई वेट करेंगे उनका, और बाकी जितनी भी तैयारियां हैं ना वो हमने सब जो है ना कुछ कर ली हुई हैं, कुछ बाकी हैं, तो ये सारा जो तैयारी है ना ये हमारी चलती रहेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जी, अभी ये है जी मेरा रूम देख सकते हैं, और ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज यहाँ पे लगा दी एक सीनरी, ये चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा भाई, देख लो माशाल्लाह। थोड़ा थोड़ा ही घर को संवारेंगे ना, अब एकदम से तो घर संवार नहीं सकता, तो थोड़ा थोड़ा करके संवारेंगे ना तो सारा बन जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा सारा। भाई जो हमारे बच्चे है ना माशाल्लाह से, अब देखें यहाँ से जगह थोड़ी खाली थी ना, यहाँ पे तो ग्रास लगा हुआ पर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मट्टी है, तो वो मट्टी उठा के ना अब सारे फर्श पे डाल देते हैं, तो सारा फर्श जो है ना वो खराब कर देते हैं। ये हमारे बच्चों का काम है, सारा दिन यही करते रहते हैं। तो मैं अभी जी लगाने लगा हूँ अपने ग्रास को पानी यहाँ पे, ठीक है। ये काफ़ी सूख चुका है जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से, तो वहाँ से तो ठीक है लेकिन यहाँ से ना सूख चुका हुआ है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं जी ग्रास को पानी इंशाल्लाह। और ये अच्छा मैं आपको अब ये समझाता हूँ कि ये क्यों हमने यूं किया हुआ। ये वाल देख रहे हैं आप, यहाँ पे लगा हुआ था वाल ये वाला, तो मैंने यहाँ पे कील लगा के इसको टांग दिया हुआ है, क्योंकि हमारा बच्चा जो है ना सोहन छोटा वो इसको हर वक्त जो है ना चला लेता है, हर वक्त जब भी उसको मौका मिलता है तो वो यहीं पे भागता है सीधा। तो मैंने क्या किया, ये वाल जो है ना ये मैंने लिया जी उतार इधर से,
और ये होता है जी हर वक्त इधर, जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो यहीं पे लगा के चला लेते हैं पानी, और जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो ये उतार के यहाँ पे रख देते हैं। तो कैसा लगा भाई हमारा जुगाड़? सही लगा ना? बच्चों के लिए यही कर सकते हैं वरना तो। चलो भाई हम लगाएंगे अभी प्लॉट को पानी इंशाल्लाह। वहाँ से तो सही हो रहा है लेकिन यहाँ से ना थोड़ा थोड़ा है, मरा मरा सा लग रहा है यहाँ से, बट कोई बात नहीं। चलो बच्चों हट जाओ हट जाओ हट जाओ, सामने से हट जाओ बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश। प्रेशर तो है भाई, देखो कहाँ तक जा रहा है पानी, ये तो है मानना। ये क्या देखती में क्यों बना रहे हो? देखती में बनाने का क्या मतलब है भाई? पकौड़े देखती में कभी बनाए गए बताओ? कढ़ाई में सालन बना लिया था, नहीं तो भूल तो रही कढ़ाई। अच्छा कढ़ाई में सालन बना पड़ा है, लेकिन अब पकौड़े बनाने के लिए कोई चीज थी नहीं तुम्हारे पास? फ्राई पैन तो था ना, फ्राई पैन से कर लेती तो भाई फ्राई पैन में भी बेगम नहीं किया। देखती में भाई फर्स्ट टाइम आप लोग भी देख रहे हो कि हमने देखती में पकौड़े बना रहे हैं, बल बन तो रहे हैं ना बरल। ये देखो और कलर देखो कितना प्यारा आ रहा है इनके ऊपर, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी का मसाला जात और यहाँ पे हमारी फर्स्ट अफ्तारी के पकौड़े बन रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। सो के भाई एक मेरी प्यारी बहन है जिनके चैनल का नाम है जी समीना डेली लाइफ ब्लॉग, ठीक है। वो घर में रह कर ना काफ़ी कुकिंग करती हैं, प्यारी प्यारी खाने बनाती हैं और मज़ेदार किस्म के खाने, और बाकी भी सारा कुछ जो है ना वो घर की रूटीन शेयर करती रहती हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी बहन के चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो टाइम हो रहा है जी 7 का और हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं जी इस वक्त, माशाल्लाह। दिन में भी हमारे घर मेहमान आए हुए थे और रात में भी हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, मतलब 24 घंटे मेहमान ही होते हैं हमारे घर। तो मेहमान रहमत होती है अल्लाह ताला की, और बस हम मेहमानों का वेट ही कर रहे हैं, खाना भी खिलाएंगे और सारा कुछ खाना वगैरह जो है ना वो हमारा बन चुका है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और बस मैं भी बाहर ही खड़ा हूँ, मेहमानों का हम कर रहे हैं जी अभी वेट। जब आएंगे तो बेल बुझा देंगे, फिलहाल बेल लगी हुई है, बेल चालू है तो वो बेल बुझा देंगे तो हम उनको रिसीव कर लेंगे। मेहमान बस पहुँचने वाले हैं अभी, चाय पानी रेडी रखो, चाय पानी बोतल लेके आ गया था मैं। हाँ, चाय पानी बनाओ और खाना भी खिलाएंगे उनको तो सारा कुछ। सो भाई आज के इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं कल एक ताज़ा नए फ्रेश व्लॉग में। तब तक के लिए जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा भाई, हमें दो में याद रखिएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।